दोस्तों मुख्तार आम के ज़रिए जायदाद ना ख़रीदें। अगर ख़रीदनी है तो इस बात की तसल्ली कर लें कि असल मालिक ज़िंदा है और उसने मुख्तारनामा मनसूख नहीं करवाया। होता यह है कि मालिक फ़ौत हो चुका होता है, मालिक के फ़ौत होने के बाद मुख्तारनामा की कोई हैसियत नहीं रहती और वह उसके नाम पर आगे वो बंदा प्रॉपर्टी अगर बेचता है तो वह फिर उस बंदे के साथ फ्रॉड हो जाता है जो ख़रीदार होता है। ऐसा अक्सर हमारे देखने में आता है, हमारे पास केसेस भी आते हैं कि लोगों ने फौत हुए हुए जो है ना वो बंदे के नाम से पुरानी डेटों में मुख्तारनामे बनाकर रेवेन्यू अथॉरिटी से मिलकर लोगों को जायदाद से महरूम कर दिया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए कोई प्रॉपर्टी ना ख़रीदें, और अगर ख़रीदनी भी है तो पहले कन्फर्म करें जिस बंदे का पावर ऑफ अटॉर्नी है वो ज़िंदा भी है या नहीं, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब बंदा फौत हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।